नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। लाल किला मैदान में 10 दिवसीय भारत भाग्य विधाता महोत्सव का आयोजन आज से शुरू होगा। इसमें भारत की विविधता के रंग देखने को मिलेंगे। देश के इतिहास, विरासत, कला और संस्कृति को लोग जान सकेंगे। साथ ही व्यंजन का लुफ्त भी एक छत के नीचे उठाया जा सकेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस कार्यक्रम का आगाज करेंगी। 75वें आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ये आयोजन 3 अप्रैल तक जारी रहेगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने डालमिया भारत लिमिटेड के साथ मिलकर कार्यक्रम की अवधारणा तैयार की है, जिसमें देश के जाने माने कलाकार प्रस्तुति देंगे। महोत्सव में खाने पीने के शौकीनों के लिए खाओ गली से लेकर बच्चों के लिए खेल गांव बनाया गया है। महोत्सव में आगंतुक शिल्प उत्पादों की खरीदारी कर सकेंगे। हालांकि महोत्सव में प्रवेश के लिए टिकट का भुगतान भी करना होगा। डालमिया भारत लिमिटेड के प्रबंधक दिनेश, निर्देशक जो हैं पुनीत डालमिया, ने कहा कि लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता के लिए विशेष रूप से तैयार की गई एक पहल है। हमें आशा है कि इसके जरिए आगंतुक सांस्कृतिक, उत्सवधर्मी और सामुदायिक विरासत में डूब जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ देश और समाज को बांधकर रखने वाले अनूठे और अविस्मरणीय अनुभव को साथ लेकर जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।